महासचिव स्वामी मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। इस बार दीपावली पर मां लक्ष्मी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया, जिसे लेकर वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा। स्वामी मौर्य ने एक बार फिर मर्यादा लांघी है, एक बार फिर हिंदू आस्था पर हमला किया है और सनातनियों के पवित्र त्योहार दिवाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ना सिर्फ देवी देवता का अपमान किया बल्कि पूजा पाठ पर भी आपत्ति दर्ज की है। स्वामी मौर्य ने कहा कि विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, दो नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ और हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? हमने केवल चार हाथ ही नहीं कहा, चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है, और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी मौर्य ने भगवान के स्वरूप पर टिप्पणी की और एक नए विवाद को जन्म दे दिया, जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी हो रही है और स्वामी मौर्य को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एक होता है मौन समर्थन, अखिलेश जी कहे हैं कि तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो अपना बोलते हैं। अगर ये बात कोई गलत करता है बहुजन समाज पार्टी में, तो तुरंत मायावती जी इस मामले में तो एक नंबर है, तुरंत पार्टी से निकालो, बाहर करो। ये अखिलेश जी की चाल है समाज को गुमराह करने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं मुसलमानों के वोट पाने के लिए। भगवान राम और रामचरितमानस विवाद के बाद मां लक्ष्मी को लेकर विवादित पोस्ट पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी मौर्य के दो संकल्प हैं, पहला हिंदुओं को गाली देना और दूसरा अखिलेश यादव की लुटिया डुबाना। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग तुच्छ राजनीति के चलते हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं। उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बोलने पर ही बैन लगा दें। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दो कसम खा रखी, दो संकल्प ले रखे। पहला, हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कसम स्वामी प्रसाद मौर्य ने खा ली। जब भी बोलते हैं करोड़ों हिंदुओं के दिल को दुखाते हैं। दूसरी कसम उन्होंने खा रखी है अखिलेश यादव जी को बर्बाद करने। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और तमाम एजेंसी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक धर्म को रोज गाली देने वाले व्यक्ति को बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अक्षम्य है, क्योंकि उन्हें इस बार हिंदुओं के त्योहार पर मां लक्ष्मी की पूजा को गलत तरीके से परोसा है, जिस पर अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। साथ ही सवाल अखिलेश यादव के साथ इंडी गठबंधन से भी पूछे जा रहे हैं। आखिर सनातन पर टिप्पणी सोची समझी साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात दिल्ली की, जो एक बार फिर से प्रदूषण के आगोश में है। दीपावली के बाद एक UI बढ़कर 500 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं से लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन सियासत जरूर जोरों पर है। देखिए,
धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली की आबोहवा में जहर है, सांस लेना दूभर है और AQI लेवल 900 के पार पहुंच चुका है। लेकिन सियासत पहर दो पहर तेज हो रही है। अपनी गलती को छिपाने के लिए प्रदूषण का ठीकरा दूसरे राज्यों पर फोड़ा जा रहा है और बमबाजी को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहां तक कि दलील दी जा रही है कि दिल्ली के कुछ इलाके को टारगेट किया गया और जानबूझकर पटाखे छोड़े गए। अब दिल्ली सरकार के इस बयान पर सियासी बमबाजी होने लगी है। कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए, NCR के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। अगर पॉल्यूशन पटाखों से होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इस वक्त गजा में होना चाहिए था, जहां लगभग 2000 टन बम फट चुके हैं। वहां पॉल्यूशन क्यों नहीं है? वहां पे AQI है 40। यूक्रेन में पॉल्यूशन क्यों नहीं है? सीरिया में पॉल्यूशन क्यों नहीं है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे पॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ना चाहते, आप बच्चों के पटाखों से लड़ना चाहते हैं। आप प्रदूषण ठीक नहीं करना चाहते, आप केवल दिवाली पर बैन लगाना चाहते हैं, इसीलिए जनता इस प्रकार के बैन को माननी नहीं। दिल्ली में दीपावली पर पटाखा पॉलिटिक्स हो रही है। आम आदमी पार्टी और BJP आमने सामने हैं, लेकिन इस दम घोटू दिल्ली में आम जनता की नींद उड़ चुकी है। दरअसल दिल्ली में 9 और 10 नवंबर को बारिश हुई थी, इसके बाद हवा में प्रदूषण का स्तर करीब 50% कम हो गया था। 11 और 12 नवंबर को दिल्ली में AQI 250 से कम था।